सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपका हिंदी का पाठ दो सजा माफ, जो कि मैंने कहानी आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी, आज मैं सजा माफ पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो उसमें से देखिए, सबसे पहले तो आपको शब्दार्थ याद करने हैं, ठीक है। इसको भी आप कॉपी पर लिखिएगा। क्रूर माने निर्दय, जालिम, निरंकुश, मनमानी करने वाला, शासक, राजा, शासन करने वाला, कारागार, जेल, अधीक्षक, किसी कार्यालय का, विभाग का प्रधान अधिकारी, निर्दोष, जिसने कोई अपराध ना किया हो या भूल ना की हो, जुर्म, अपराध, उन्मुख, जिसका मुख या दृष्टि ऊपर की ओर हो, सजा के योग्य, ठीक है, विवश, मजबूर, भविष्य, आने वाला समय, मुक्त, आजाद। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी पे लिखकर याद करने हैं। इसके बाद देखिए सही विकल्प। कलिंग युद्ध के पहले राजा अशोक कैसा राजा था? तो आपको पता है ना, जब तक उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं लिया था तो इसके पहले वो बहुत अन्यायी राजा था, है ना। जब से उन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया था तो इसके बाद वो न्यायप्रिय राजा बन गए। तो हम किस में निशान लगाएंगे? अन्यायी में। दूसरा देखिए, अशोक को अपने बारे में सच किसने बताया? तो अशोक को जब चार कैदी थे तो तीन कैदी तो झूठ बोले थे, तो चौथे कैदी ने उन्हें सच बात बताई थी ना अपनी, तो हम किस में निशान लगाएंगे? चौथे कैदी ने। तीसरा है, चौथा कैदी दवाइयों की चोरी के लिए विवश क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उन्हें दवाइयों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था? दवाइयाँ चुराई थी। तो हम किस में लगाएंगे निशान? उसकी माँ बीमार थी। अब देखिए, इसी पाठ में जो व्याकरण है, प्रश्नों को उत्तर नहीं करना, अभी आपको व्याकरण बोध करना है, ठीक है। तो व्याकरण बोध में बहुत अच्छे से समझिए, रा के रूप को जानिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो जैसे म धन रा धन आ धन म्रा बना, तो क्या बन जाएगा? नम्रता। मतलब कहने का, नम्रता में रा स्वर सहित है, स्वर के साथ है रा, रा के साथ आ जुड़ा हुआ है ना, तो आ क्या है? स्वर है, तो ये स्वर के साथ है, इसलिए ये नम्रता जो है स्वर सहित है, ठीक है। यह अपने पहले आय वर्ण के नीचे लग जाता है, देखिए माँ के नीचे लगा हुआ है ना। इसी तरीके से सिर्फ में रा स्वर रहित है, ठीक है, स्वर से अलग है। क्यों? क्योंकि यह आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे देखिए हम बोलते हैं ना सी र फो, तो रा पूरा है मगर कैसा है? स्वर रहित, स्वर सहित नहीं है, इसके साथ तो उच्चारण नहीं हो रहा आकार, ठीक है। तो ये जो रा की रकार है वो कहाँ लगी? ऊपर लगी है। इसी तरीके से आपके पाठ में आए स्वर सहित रा और स्वर रहित रा शब्दों को यहाँ लिखना है। तो स्वर सहित जो शब्द हैं वो क्रूर है, सम्राट है, प्रजा है और ग्रहण है, है ना, क्योंकि इसमें नीचे रकार लगी हुई है, इसलिए ये क्या है? स्वर, स्वर सहित है। अब स्वर रहित वर्ण देखिए रा, जुर्म, धर्म, कर्म, निर्दोष, है ना, इसमें क्या है? ये ऊपर है। जो स्वर रहित रा होता है वो वर्ण के ऊपर लगता है और जो स्वर सहित रा होता है वो अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है, अक्षर के पहले लगाया जाता है वो रा। क्लियर हो गया? स्वर सहित रा अक्षर के पहले लगाया जाता है नीचे, और स्वर रहित जो होता है वो वर्ण के ऊपर रकार लगती है। क्लियर हुआ ना, स्वर रहित और स्वर सहित? तो ये आपको अपनी किताब में ही लिखना है। इसके बाद देखिए, नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप चुनकर लिखिए और उन्हें याद कीजिए। तो स्त्रीलिंग और पुरलिंग आपको पता है ना, पुरलिंग क्या है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुरलिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए आपके बॉक्स में दिए हुए हैं ना स्त्रीलिंग शब्द, इनको लिखना है। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, श्रीमान का स्त्रीलिंग होगा श्रीमती, सेठ का सेठानी, सम्राट का साम्राज्ञी, वीर का वीरांगना, राजा का रानी, यानी इसमें पुरुष और स्त्री दोनों को हमें पता चल रहा है। तो कवि क्या हो जाएंगे? पुरलिंग, और इनकी स्त्रीलिंग जब हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? कवित्री। समझ में आया आपको स्त्रीलिंग और पुरलिंग क्या होता है? जो शब्द हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुरलिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये आपको लिंग परिवर्तन करके लिखना है। इसके बाद देखिए छठवें नंबर पे है,
पढ़िए, समझिए और दो दो शब्द बनाइए। जैसे आधा दा धन धा, तो द्वा लग गया, बौद्ध ध बन गया, ठीक है, द और धा मिलके ध। तो इसको कैसे लिखेंगे, बौद्ध प्रसिद्ध शुद्ध, मतलब दा के नीचे धा लगाना है आपको। फिर द्या, ठीक है, द्या क्या शब्द बना, अक्षर बना आपका द्या। तो इससे संबंधित कौन कौन से शब्द होते हैं, वैद्य, विद्या, विद्यालय। द्या का उच्चारण हो रहा है ना, वैद्य, विद्या, विद्यालय, द्या का उच्चारण हुआ है इसमें तीनों में, ठीक है। अब देखिए द्व कौन सा है शब्द, द धन वा द्व, ठीक है, तो द्वारिका, द्वार, द्वापर, उच्चारण आ रहा है आपका द्व, द्वा का उच्चारण आ रहा है ना, द्वारिका, द्वार, द्वापर, तो ये शब्द कौन सा बना आपका, द्वा। अब इसके बाद देखिए ता धन रा, मतलब मिलके बनता है त्रा, ता धन रा त्रा, तो ये क्या बन जाएगा, मित्रता, शत्रुता और मित्र। तो समझ में आया, बौद्ध ध दा के नीचे ध, ठीक है, प्रसिद्ध शुद्ध, वैद्य विद्या विद्यालय, द्वारिका द्वार द्वापर, मित्रता शत्रुता और मित्र। तो इसको जिस तरीके से मैंने आपको पुस्तक में लिखे हैं, इसी तरीके से आप भी पुस्तक में लिखिएगा और जो भी तारीख आपको बताई जाती है उस तारीख को आप भेजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।